नमस्कार न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड से है, जहां उत्गन नदी के तटवर्ती गांव भगत का पुरा के पास नदी में एक युवक के डूबने का मामला सामने आया है। घटना आज गुरुवार करीब 11 से 11:30 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी जब स्थानीय लोगों को मिली तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने निजी स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला युवक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी, जिसके बाद मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की सहायता से युवक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। ऐसे में जिला मुख्यालय से SDRF टीम को बुलाया गया है। टीम मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। नदी में नहाते समय एक 19 वर्षीय युवक के डूबने की जानकारी मिली थी। SDRF टीम को बुलाया गया है। युवक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धौलपुर से राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। आज उनके बाद नहाने आए थे हम फिर। कितने बजे? 11:30 बजे थे। फिर उसके बाद? उसके बाद मैं हम सामने आ रहा था, मेरा भाई आया था यहाँ से, ये सामने आया था सीधा। कितने लोग नहा रहे थे तुम लोग? हम होंगे 10-12 जने। फिर? और यहाँ से एक मोड़ा जा रहा था, एक मोड़ा डूब रहा था, उसने उसको बचाने के लिए यहाँ पे यहीं पर रह गया। फिर भी नहीं लग रहा बाहर। और बाकी के निकला है बाहर? बाकी के बाद से लेकर अच्छा लेकर। जो डूबा है उसका नाम क्या है? पवन। पवन। पिता का नाम? डालचंद। तुम्हारे पिता का नाम? डालचंद। कहाँ के निवासी?